जय हिंद। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, द्विधारी संक्रियाएं पर, मतलब बाइनरी ऑपरेशन पर हम लोग आज एक क्वेश्चन बनाते हैं जो बहुत मजेदार है कि नहीं, आपको सुधारना थोड़ा सा विचार है क्वेश्चन पे लगाइए ध्यान है कि नहीं। अब देखिए, कह रहा है क्रम विनिमेय, मतलब कॉम्पिटिटिव एवं साचर्य, मतलब एसोसिएटिव ला, दो को बात को यहाँ पर प्रूफ करना है। दो को क्वेश्चन दिया है बाइनरी ऑपरेशन का, इस पर दो को बात पे विचार करना है। ई कह रहा है जेड, ये जेड है, आई कह रहा है कि क्यू है। अब कह रहा है कि जेड द जेड आपको दिमाग में बैठा होगा, जेड क्या है। अब कह रहा है कि इसको पहले हम इसको बात को प्रूफ करना चाहते हैं। तो यह कहता है कि ए स्टार अगर है बाइनरी ऑपरेशन तो ए माइनस बी है, और कह रहा है कि अगर बी इसको चेंज कर दिया जा रहा है तो बी माइनस ए, मतलब कि दोनों ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं हो सकता, नंबर डालेंगे तो नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब कि आपका क्रम विनय नहीं है, क्रम विनय आपको नहीं बन पा रहा है। दूसरा हो गया आ जाएगा आपका साहचर्य हो गया, तो इसको एक और मानना पड़ेगा साहचर्य के लिए, है कि नहीं। तो एसोसिएटिव तो ए बी और सी मान लीजिए, इसके लिए एक ईगो बन गया यह। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यह हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, उसके बाद इसके साथ ए माइनस बी इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ए बाइनोम स्टार बी, तो इसको हो जाएगा पहले इसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ए माइनस हो जाएगा बी माइनस सी, मतलब कि इसको तोड़ेंगे ये कभी आपका इक्वेशन नहीं आ पाया, मतलब कि यहाँ पर आपका दोनों साचर्य और कर्म विनय इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। हम जस्ट बताए थे आपको, समझ जाना है कि जहाँ लगा माइनस और जहाँ लगा भागा वहाँ पर आपको यह कोनो लाग के बारे में नहीं जानना है, वहाँ पर आप लाग आहाँ पर फॉलो नहीं कर सकता है। ये तीनों साहचर्य ला ना कर्म विनय और का डिस्ट्रीब्यूटिव ला, वह आपको नहीं लागू होगा, यह दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद अब इसमें रहे गुना है, यहाँ पर इधर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर लग सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, इसके अनुसार चेंज होगा। तो ए स्टार बी अगर लिख सकते हैं तो ए बी हो जाएगा, यहाँ पर बी स्टार अगर ए लिख रहे हैं तो हो जाएगा बी ए प्लस, तो यह दोनों का हो जाएगा। इसमें दोनों एक जैसा है, इसका मतलब कि हम यह दोनों का वायलेट है, मतलब कि यहाँ पर जो अगर क्रम विनयी है नियम, मतलब कि डिकम्युलेटिव नियम जो आपका है यहाँ पर, मतलब कि वायलेट है क्योंकि मान रहा है बात को, आ जा रहे आंसर इक्वल। दूसरी बात अगर इसमें आ जाएगा आपका, दूसरा अगर हम साहचर्य की बात करते हैं तो ई ए स्टार बी इंटू स्टार सी, तो इसको लिख सकते हैं ए माइन ए, इसके लिए हो जाएगा यह, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर इसमें गुना, अब प्लस हो जाएगा ए, मतलब कि इसको ए बी सी सी ए हो जाएगा। उसके बाद हम इसको करेंगे, ई हो जाएगा आपका ए, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी बी सी प्लस वन, अब प्लस हो जाएगा वन, इसको हो जाएगा ए बी सी ए यहाँ पर वन। देखिए यहाँ पर यहाँ भी आपको लागू नहीं हुआ, यहाँ पर ये बन गया यह, मतलब कि यहाँ भी आपको नहीं लगा, मतलब कि यहाँ पर कर्म विनय है बल्कि साहचर्य यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो साहचर्य इसमें नहीं होगा है कि नहीं, कर्म विनय है। तो इसका मतलब कि आप क्वेश्चन बनाने के प्रयास कीजिएगा तो सही मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर कौन, मतलब कि ला लगेगा कहाँ पर, कौन ला नहीं लगेगा बाइनरी ऑपरेशन में। अगर द्विधारी अब सक्रिय आपको बहुत मजबूत करना है तो आपको बनना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन से करना पड़ेगा प्यार, तब आपको होगा प्रश्न से आंसर का ही निकाल। तो यह होगा आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं जब आप इस पर बहुत सारा क्वेश्चन कीजिएगा तब। देखिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको एक साथ कर दिया जाएगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो,
तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। लॉन्ग वीडियो बना लेंगे जब देखेंगे मेरा पूरा का बच्चा, मेरा बहुत अंडरस्टैंडिंग इसमें यूट्यूब पे आने लगा, तब लंबा लंबा दो दो घंटा चार चार घंटा का हम लेक्चर लेंगे। अभी आप जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।